डियर स्टूडेंट्स, ये समांतर बलों पर आधारित एक और क्वेश्चन आज लेके आए हैं। तो समांतर बलों पर आधारित क्वेश्चन, एक हमने समझे समांतर बल का पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझा था, दूसरे में समझे समांतर बल पर आधारित एक क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल अनलाइक फोर्स का न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, यानी विपरीत दिश समांतर बल पर आधारित इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो यहाँ देखिए, दो असमान विपरीत दिश समांतर बल जिनका मान 15 न्यूटन तथा 10 न्यूटन है, ठीक है, दो बंदे रखे हैं, कैसे हैं, विपरीत दिश हैं, 10, 15 और 10 न्यूटन के, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहे हैं, परिणामी बल का मान तथा क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो बल जो है, एक 15 न्यूटन का है और एक 10 न्यूटन का है। पहला बल मैं यहां पर मान ले रहा हूं, मेरे पास पी बल है। अगर पी की डायरेक्शन में ऐसी मानता हूं कि ये मेरे पास P बराबर 10 न्यूटन है, ठीक है, तो दूसरा बल जो है उसकी डायरेक्शन हमें ऐसी माननी पड़ेगी ऊपर की ओर, ठीक है, जिसको हमने मान लिया Q, और Q बराबर ये क्या है, 15 न्यूटन, ठीक है, तो 10, अच्छा 15 और 10 न्यूटन के बल दे रखे हैं, तो ठीक है, पहला हमारे पास ये 15 न्यूटन का हो जाएगा P, है ना, पहला बल क्या है 15 न्यूटन का, तो ठीक है, यहां पर हमने कह दिया ये मेरे पास 15 न्यूटन हो गया और ये 10 न्यूटन, ठीक है। पहला बल मैंने P मान लिया, दूसरा Q मान लिया, कोई जरूरी नहीं है कि इस बल की डायरेक्शन हम इधर माने, हम ऐसे भी मान सकते हैं कि पहला बल मैं ऐसे मान सकता हूं, मेरे पास P हो गया, P बराबर 15 न्यूटन, और दूसरा फिर मुझे ऐसा मानना पड़ेगा Q बराबर 10 न्यूटन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन पहले बल की आप कहीं भी मान सकते हो, ऊपर या नीचे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप मान रहे हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे बल की डायरेक्शन मानेंगे, तभी हमारे पास क्या होगा, ये विपरीत दिश समांतर बल कहलाएंगे, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बल हमने माने हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे हो, वो बल ऐसे भी हो सकते हैं। हम मान सकते हैं कि ये बल मेरे पास अगर P है तो P को मैं ऐसे माना, ठीक है भाई, P तो Q को मैं ऐसे माना, ये पैरेलल दिखाई दे, पैरेलल होने चाहिए, ये मेरे पास P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, इनकी वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है, या हम ऐसे मान सकते हैं कि मेरे पास जो P है उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि मेरे पास क्या P तो Q ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल होने चाहिए, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली कुछ इस तरह से ले लेते हैं, साधारण ले लेते हैं, ठीक है, ये हमें सबसे ले। तो यहां पर देखिए भाई, ये बिंदु मान लिया, मान लीजिए बिंदु A है और बिंदु B है, ठीक, दो विपरीत दिश बल है। अब इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, बड़े बल की तरफ होगा, ठीक है, और दोनों बलों से बाहर होगा, तो परिणामी कहीं यहां होगा, ठीक है, इधर होगा, जहां पर लाइन खींच लो, और बड़े बल की तरफ और बड़े बल की दिशा में, ये बिंदु मैंने कह दिया सी, दोनों बलों के बीच की दूरी दे रखी थी 2 मीटर, तो वो मैंने ले लिया 2 मीटर, है ना, 2 मीटर मैंने डिस्टेंस ले ली। अब यहां पर मेरे पास ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला आपने पढ़ा था, बड़े बल में से छोटे बल को घटा देते हैं, ये हमारे पास परिणामी होता है। तो यहां पर हम परिणामी निकाल रहे हैं, आर बराबर पी माइनस क्यू, क्योंकि पी यहां पर बड़ा है, तो आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 बराबर 5 न्यूटन। परिणामी बल हमने निकाल लिया कि हमारे पास कितना है, 5 न्यूटन हमारे पास परिणामी बल आ गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में परिणामी की क्रिया रेखा, ठीक है, इसमें रखा है क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए, यानी परिणामी की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका हमने अनुप्रयुक्त बिंदु निकालना होता है, तो उसे निकालने के लिए हम यहां पर ये जो बिंदु सी है इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए यहां पर मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स है, ठीक है, ये मैंने मान ली, ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स है। अब परिणामी की क्रिया रेखा निकालने के लिए हम यहां पर वही फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला यहां हम स्पेस को बना लेते हैं, और फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि कोई एक बल, और उस बल से, उस बल के अनुप्रयुक्त बिंदु से परिणामी के अनुप्रयुक्त बिंदु तक की दूरी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए सी बराबर दूसरा बल गुणा दूसरे बल के अनुप्रयुक्त बिंदु, यानी बी से प्रणामी के अनुप्रयुक्त बिंदु तक की दूरी के गुणनफल को हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास पी सी। अब बल पी हमारे पास जो है वो 15 न्यूटन का है, हमने लिख लिया, और जो ए और सी है वो एक्स है बराबर, क्यू हमारे पास हो जाएगा 10, और बी सी हमारे पास
बी और सी, देखिए बी से लेके सी तक हमें डिस्टेंस लेंगे तो 2 प्लस एक्स हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस यहां से लेकर और यहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमको पूरी कवर करनी है ना बी से लेके सी तक की। अगर बिंदु क्यू ले रहे हैं तो क्यू गुणा बी सी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमें 2 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हमने ले ली। अब देखिए आगे बस कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 15x बराबर 10 × 20 गुणे 10x, ये इधर ले आ रहे हैं तो 5x बचेगा बराबर 20 और x बराबर 5 × 20, तो हमने x बराबर ये निकाल लिया। x हमारे पास क्या है, जो परिणामी है ठीक है, वो बड़े बल से बड़े बल की तरफ ठीक है 4 मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर इसमें लिख दे रहे हैं 4 मीटर, ठीक है भाई, इतनी दूरी पर ये हो गया ठीक है। छोटे बल से इसकी डिस्टेंस, छोटे बल से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी 2 प्लस कितने हो जाएगी, 2 प्लस 4 यानी 6 हो जाएगी ठीक है। तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, आप लिख सकते हैं कि जो मैं से लिख ले रहा हूं कि बड़े बल बराबर पी है, पी से जो पॉइंट सी है प्रणामी वो कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर, और जो छोटा वाला बल है उससे जो टोटल डिस्टेंस है यानी बिंदु सी यानी प्रणामी जो है वो कितना है, 6 मीटर की दूरी पर यहां ठीक है। तो प्रणामी बल कहां होता है, दो विपरीत दिश बलों का प्रणामी बल बड़े बल की तरफ तथा बड़े बल की दिशा में ही उसकी डायरेक्शन होती है ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल था, अगले वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेके आएंगे इसी पर आधारित, और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।